समझेंगे कि सुग्गा कैसे अन्य कैब एग्रीगेटरों से अलग है और सुग्गा से जुड़ने पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। पहला, सबसे कम कमीशन। सुग्गा पर हम अपने ड्राइवर्स के लिए फेयर इनकम में भरोसा करते हैं। हम आपके हर राइड पर सिर्फ 5% कमीशन चार्ज करते हैं। चलिए सुग्गा के राइड बिल को हम विभाजित करके समझते हैं। बिल का केवल 5% सुग्गा द्वारा रखा जाता है, जो सुग्गा के ऑपरेशनल लागत और प्लेटफॉर्म के विकास कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। कैब एग्रीगेटर कंपनी सुग्गा द ऑनेस्ट टैक्सी की लॉन्चिंग प्रेस क्लब रांची में की गई। रमशेदपुर में कंपनियां अपनी सेवाएं पहले से दे रही हैं। अपने सर्विस का विस्तार करते हुए सुग्गा रांची में अपनी सेवाओं की शुरुआत कर रही है। रांची में भी लोग सुग्गा की राइड अब कर ले सकते हैं। रांचीवासी मिनी सेडान, ऑटो बाइक, एसयूवी की राइड ले सकते हैं। कैब एग्रीगेटर के फील्ड में उपभोक्ताओं को बेहतर अनुभव व ड्राइवर को केंद्र में बिंदु में रखना कंपनी का प्रमुख विजन है। कंपनी के फाउंडर व डायरेक्टर विकास सिंह, अनुराग गौतम, विशाल मिश्रा, कनाडा निवासी राजीव झा, सुमित मेहरा हैं। ये बातें विशाल मिश्रा कंपनी के सीईओ ने दी। उन्होंने कहा कि सुग्गा सबसे कम कमीशन, ड्राइवर को रिटायरमेंट सिक्योरिटी, ड्राइवर और राइडर के लिए फेयर ट्रांसपेरेंसी, 24 घंटा सपोर्ट सर्विस, इंस्टेंट विथड्रॉल ऑफ मनी की सुविधा, नो कॉन्सिलेशन बाय ड्राइवर, नियमित मासिक आय, ट्रांसपेरेंट फेयर, ऑफिस आपके द्वारा की सुविधा दे रही है। सुग्गा कंपनी जल्दी 32 शहरों में इसको लॉन्च करने जा रही है। सुग्गा को डेवलप किया और सुग्गा में पहला चीज तो हमारा कमीशन जो ड्राइवर्स के लिए है वो बहुत ही कम है। हम लोग सिर्फ 5% कमीशन पे ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा चीज जो हम लोग बाकी कंपनियों से भिन्न करते हैं वो ये है कि हम ड्राइवर्स को रिटायरमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। रिटायरमेंट सिक्योरिटी एज इन की ड्राइवर्स जब हमारे साथ रिटायर होते हैं हमारे साथ सर्विसेज को देने के बाद, तो उनको तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपए की रिटायरमेंट गारंटी कंपनी लेती है। इसका कैलकुलेशन है जो आप हमारे ऐप पर जाकर के देख सकते हैं कि ये फंड डेवलप कैसे होता है। इसमें हम हर ट्रिप में से कुछ अपने कमीशन में से ड्राइवरों के हित के लिए, उनके भविष्य के लिए सेव करते हैं और फंड मैनेजमेंट के जरिए उनको ये फंड प्रोवाइड किया जाता है, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि ड्राइवर्स हमारे फुल टाइम एम्प्लॉयज़ नहीं हैं और इनको PF ESIC की सुविधा हम नहीं दे सकते हैं, उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने ये फंड स्टार्ट किया है ड्राइवर्स के लिए। दूसरा है कि ड्राइवर्स को हम रेफर एंड अर्न की भी सहूलियत प्रोवाइड कराते हैं। इसमें वो लोग जितने लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं और जितने ज़्यादा ड्राइवर्स या राइडर्स दोनों को वो जोड़ेंगे उसके हिसाब से वो रेगुलर बेसिस पे इससे कमा सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक ड्राइवर थे, उन्होंने किसी और को जोड़ा, तो उनके द्वारा जितने भी ट्रिप्स लिए गए हैं उनका कमीशन इनको लाइफ टाइम मिलता रहेगा, ये भी एक है। दूसरा है कि हम लोग ड्राइवर्स को ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास एक सपोर्ट व्हीकल रहेगा जिसको हम लोगों ने तैयार करवाया हुआ है, जो ड्राइवर्स को ग्राउंड पे जा करके उनकी सारी दिक्कतों को सॉल्व करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। और ये पूरी कंपनी को स्टार्ट करने का कारण हमारा यही है कि ड्राइवरों के लाइफस्टाइल को, ड्राइवर के फाइनेंसेस को थोड़ा और मजबूत किया जाए ताकि ओवरऑल सर्विस की क्वालिटी और राइडरों को जो सर्विस दिया जा रहा है उसको हम लोग और बेटर कर पाए। ऐसा नहीं होता है, ड्राइवर जितने भी ऐप्स अभी अवेलेबल है ना, ड्राइवर सारे ऐप्स पे काम करते हैं। ओला में भी जुड़े रहेंगे, उबर में भी जुड़े रहेंगे, रैपिडो में भी जुड़े रहेंगे, सुग्गा में भी जुड़े रहेंगे, सब ऐप के साथ वो काम कर सकते हैं और उसमें कोई भी दिक्कत उनको नहीं है। वो किसी भी ऐप के साथ काम करना छोड़ते नहीं है, बट हम लोग ये करते हैं कि क्योंकि आप हमारे साथ लॉयल हैं, हमारे ग्राहकों को अच्छे से सर्व करते हैं, उसके बदले हम आपको ये रिटायरमेंट फंड प्रोवाइड करते हैं कि आप इसे, और ये रिटायरमेंट फंड सिर्फ आपको रिटायरमेंट के समय ही हम लोग नहीं देते हैं। अगर आपको 3 साल के आप ये फंड निकाल सकते हैं, अगर आपको कोई समस्या का सामना करना पड़ता है, मान लीजिए कुछ हेल्थ इशूज आ गई, एजुकेशनल कुछ फंड के डिपार्टमेंट है, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आपको फंड निकालना है, तो आप हर 3 साल में ये फंड का 50% विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी सहूलियत हम लोग ड्राइवर्स को प्रोवाइड करते हैं। बेहतर हम लोग ये है कि हम लोग ने नो कैंसिलेशन पॉलिसी डेवलप करके रखी है। ड्राइवर के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि वो हमारे कैब को कैंसिल किए बिना राइडर्स को सर्विस दें, और राइडर्स की तरफ से हम लोग ये करते हैं कि आप लोग कैंसिल हो जाते हैं। तो हम लोग ये करते हैं कि हमारे अगर आपने वेट किया और राइड कैंसिल होगी किसी कारण, तो हम आपको कंपनसेट करते हैं।
को आप इस्तेमाल करके राइड ले सकते हैं या अपने बैंक खाते में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ है कि कमीशन हमारा बहुत ही कम है कंपैरेटिवली मार्केट में। बाकी जो कंपनियां हैं वो 28 से 30-35% कमीशन लेती है पर राइड पे, हमारा कमीशन फ्लैट 5% रहता है। तो इसके चलते होता क्या है, इसके चलते ये भी होता है कि राइडर्स जो है, ड्राइवर्स जो है वो कैब कैंसिल नहीं करते हैं और आपको लेकर के जाते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनको उस ट्रिप का मिल पाता है। देखिए ऑफलाइन मोड करने का कारण ये है ना कि ड्राइवरों को सही से ट्रेन नहीं किया जाता है बाकी कंपनियों के द्वारा। ये बहुत रिस्की चीज़ है, अगर आप ऑफलाइन में जाते हैं वो ट्रैकेबल नहीं होता है, अगर कुछ हादसा आपके साथ घट जाता है उसको कोई ट्रैक नहीं कर सकता है। तो हम लोग अपने ड्राइवर को समय समय पर ट्रेन कर रहे होते हैं कि आपको ऑफलाइन लेकर के नहीं जाना, उससे क्या क्या दिक्कतें हैं। राइडर्स को भी ट्रेन करते हैं हम लोग कि आपको ऑफलाइन मोड के मोड से टैक्सी को यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे आप टीयर वन सिटी वगैरह में जाते हो, देखते हो ज़्यादातर लोग ऐप के ऊपर ही निर्भर है। उसका कारण है कि ऐप सिर्फ आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए नहीं है, वो आपको बहुत सारी सिक्योरिटीज और बहुत सारा ट्रैकिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है। सॉरी, रेडियस एरिया आपका पूरा रांची, हम लोग इंटायर रांची कवर करेंगे। रांची के बाहर भी जो कुछ कुछ एरियाज हैं जहां लोग जाना पसंद करते हैं, कुछ कुछ आउटस्कर्ट्स में, जैसे मान लीजिए कुछ रिजॉर्ट्स है, कुछ वाटरफॉल्स है, कोई पिकनिक स्पॉट्स है, तो हम लोग उसको भी जोड़ेंगे। बाकी पूरा रांची तो हम लोग कवर कर ही रहे हैं। साथ में अगर आपको आउट स्टेशन ट्रिप्स भी लेना है यहाँ से, अगर आप जमशेदपुर जाना चाहते हैं या फिर जमशेदपुर के आप रहने वाले हैं, आप रांची आना चाहते हैं, तो ये सब आउट स्टेशन भी हम लोग इसमें कवर करते हैं। सॉरी क्या, जी हाँ, डे और नाइट इसमें हम लोगों का, देखिए दिन भर हम लोग कोई सर्च चार्जेस नहीं लेते हैं ग्राहकों से। जैसे आप देखते होंगे जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर आपने नोटिस किया हो कि जब आपके फ़ोन की बैटरी बहुत कम होती है, 1% या 2% होती है, तो आपको भाड़ा बढ़ा हुआ दिखता है क्योंकि आप मजबूर हैं अभी आपको बुकिंग करना है। हम दिन भर उनका कोई भी सर्च चार्जेस नहीं देते हैं। रात को बहुत, जब एक रात तक समय हो जाता है, तब ड्राइवर्स का ही डिमांड था, ड्राइवर्स के ही डिमांड पे हम लोगों ने ये किया कि रात को ड्राइवर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है क्योंकि अपना नींद हराम करके राइडर्स को सर्विस दे रहे होते हैं। तो रात को थोड़ा सा ड्राइवर्स की तरफ से जो डिमांड था, हम लोगों ने उसके पे चार्जेस लगाया है। लेकिन दिन भर आपको कोई भी सर्च चार्जेस, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे बहुत ज़्यादा रश हो मार्केट में, हम कोई भी सर्च चार्जेस अप्लाई नहीं करते हैं राइडर की तरफ। हेडक्वार्टर्स हमारा जमशेदपुर में है, जमशेदपुर में साक्षी में हमारा हेड ऑफिस है। जी हाँ, हम टोटल 32 सिटीज़ में लॉन्च करने का हमारा प्लान है। कोशिश करेंगे हम कि इस ईयर एंड तक, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो हम लोग सब जगह जमशेदपुर से और झारखंड से उठ करके हम लोगों ने ये ऐप डेवलप किया, हम लोग सब जगह चाहेंगे कि हम लोग सक्सेसफुल हो। तो टोटल अभी हमारे पास 32 सिटीज़ का प्लान है। ऑनेस्ट टैक्सी का कारण ये है कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि कोई भी बिल जो आपको किसी अन्य कंपनी के साथ मिलता है ट्रैवल करने के बाद, तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये बिल अगर 200 रुपये का हुआ, 500 रुपये का हुआ, 1000 रुपये का हुआ, तो कैसे डेवलप हुआ ये बिल। हम लोग अपने बिल को बहुत ही ट्रांसपेरेंटली ड्राइवर्स को और राइडर्स को दोनों को ही दिखाते हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से। आप देख सकते हैं कि ये बिल अगर 200 रुपये का हुआ है, तो इसमें ड्राइवर को कितना मिल रहा है, कंपनी कितना ले रही है, सरकार इस पर GST कितना चार्ज करती है, और टेक्निकल चार्जेस, SMS, कुछ भी डेवलप होकर के 200 रुपये कैसे हुआ। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोग ड्राइवर्स और राइडर्स के साथ ऑपरेट करते हैं, इसलिए हम लोग अपने आप को द ऑनेस्ट टैक्सी।